हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में 75 प्लस स्टडी जीके कवर करेंगे और इससे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स पे वीडियो बनाए हुए, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में स्टडी जीके कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं विदा टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नेशनल एम्बलेम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? नेशनल एम्बलेम को भारत सरकार द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? आंसर इज 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और ये कहाँ से लिए, मैं तो ये सरनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। सरनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द चक्र ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां हैं, कितने स्पोक्स हैं चक्र में? तो आंसर इज 24। 24 तिलियां हैं चक्र में, और ये चक्र आपको सेंटर में देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनल फ्लैग के आपको सेंटर में चक्र देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? नेशनल फ्लैग सॉन्ग को कब एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा? आंसर इज 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, हु रोट द फ्लैग सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का ध्वज गीत की रचना किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज श्यामालाल गुप्ता। श्यामालाल गुप्ता के द्वारा फ्लैग सॉन्ग को लिखा गया था। और हमारा फ्लैग सॉन्ग कौन सा है, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा फ्लैग सॉन्ग है जो श्यामालाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रगान जनगणमन के रचनाकार कौन थे? आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम को रचा गया था, और यह 1911 में रचा गया था जनगणमन। और यदि आप नेशनल स्वयंवर ऑफ इंडिया के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? जो हमारा वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है, तो इसको कब एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा? आंसर इज 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को एडॉप्ट किया गया था। और जैसे आप ब्रिटिश ये नेशनल एंथम जो हमारा जनगण मन है, तो इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, तो ये दोनों 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच नॉवल बाय वकीम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम वकीम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? आंसर इज आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच संवत, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? आंसर इज शाखायरा। शाखायरा पर यह बेस्ड है नेशनल कैलेंडर। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर? आंसर इज 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 7 अप्रैल क्यों करते हैं, तो 7 अप्रैल को 1948 में WHO का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसलिए 7 अप्रैल को चुना गया वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। नेक्स्ट है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाते हैं? आंसर 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। और 28 फरवरी को ही हम क्यों मनाते हैं नेशनल साइंस डे, तो इस दिन 1928 में 28 फरवरी को सीवी रमन जी के द्वारा रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया गया, तो इसलिए नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। यदि आप इंपॉर्टेंट डे के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, तो मैं उसमें पूरा बेसिक से कवर किया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है कब? आंसर इज 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? आंसर इज 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर इज हिंदी दिवस। हिंदी दिवस ये हम 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ हुज बर्थडे। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, हम किनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? आंसर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हम 5 सितंबर को टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर, भारतीय वायुसेना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है प्रत्येक साल? आंसर इज 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। और इंडियन आर्मी डे बात करें तो हम ये कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 जनवरी, 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन नेवी डे। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डायबिटीज डे, किस दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर इज 14 नवंबर। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। और 14 नवंबर को ही भारत में हम चिल्ड्रंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, 14 नवंबर को ही, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हम भारत में नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे छोटा महाद्वीप है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा झील है? आंसर इज बैकाल लेक। बैकाल लेक ये विश्व का सबसे गहरा झील है और इसका गहराई अप्रोक्स कितना है, तो अप्रोक्स इसका 1642 मीटर के आसपास इस झील का गहराई, अप्रोक्स किलोमीटर में बात करें तो 1.6 किलोमीटर के आसपास इसका गहराई है और ये विश्व का सबसे गहरा झील है। और बैकाल लेक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बैकाल लेक आपको ये रशिया के साइबेरियन रीजन में देखने को मिलेगा, रशिया के साइबेरियन रीजन में। बैकाल लेक के बारे में और बात करें तो बैकाल लेक ये विश्व का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आयतन के अनुसार ये विश्व का सबसे बड़ा लेक है फ्रेश वाटर के मामले में। और इसमें अप्रोक्स कितना पानी का अंडर है, तो इसमें अप्रोक्स 22% के 22% के आसपास इसमें वर्ल्ड का पानी कंटेंट है, तो ये विश्व का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट है, विच लेक इज नोन एज द पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का मोती किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किस झील को जाना जाता है? आंसर इज बैकाल लेक। बैकाल लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, यदि आप वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट लेक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा जितने भी वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट लेक है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ इस पर भी। नेक्स्ट, द रिवर गोदावरी ओरिजिनेटेड्स इन द स्टेट ऑफ, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र में कहाँ पे होता है, तो ये महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। और गोदावरी नदी का लेंथ कितना है, तो अप्रोक्स 1465 किलोमीटर के आसपास गोदावरी नदी का लेंथ है और ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस, उस देश का नाम बताएं जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस कंट्री का आपको नाम बताना है जहां पे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन हुआ था और ये कब होता था, ये 18th सेंचुरी के आसपास में हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी के आसपास में हुआ था। नेक्स्ट है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ लोकेटेड है? आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका सेंटर लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। और ये फॉर्मेशन कब हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 1909 में हुआ था और ये जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन
भारत का सबसे बड़ा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड है, जो भारत का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है, डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? डाइट किस देश के संसद का नाम है? आंसर इज जापान। जापान के पार्लियामेंट का नाम डाइट है। जिस प्रकार हमारे कंट्री का पार्लियामेंट का नाम संसद है, तो उसी प्रकार जापान के पार्लियामेंट का नाम डाइट है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज जनरली यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? एमसीक्यू जांच के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OMR कहते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक करने के लिए, और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहते हैं। तो इसे रीडिंग भी कहा जाता है। आपको कहीं कहीं रिकॉग्निशन की जगह पर रीडिंग भी देखने को मिल सकता है, तो इसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या रिकॉग्निशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, द नेशनल एम्बेलम ऑफ इटली इज? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है? आंसर इज व्हाइट लिली। व्हाइट लिली ये इटली का नेशनल एम्बेलम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए फ्लाइट रिकॉर्डर इन टेक्निकल टर्म्स? टेक्निकल टर्म्स में एक फ्लाइट रिकॉर्डर क्या है? आंसर इज ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स है फ्लाइट रिकॉर्डर इन टेक्निकल टर्म्स, और ब्लैक बॉक्स का मेनली उपयोग किया जाता है फ्लाइट के डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, इसका मेनली उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? आंसर इज सर बेनेगोल नरसिंह राव। सर बेनेगोल नरसिंह राव ये फर्स्ट इंडियन जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और यहाँ पे भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यदि आप इवेंट के रिलेटेड और भी डिटेल जानना चाहते हैं, तो मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं लगभग उसमें 75+ क्वेश्चन किया कवर किया हूँ इवेंट से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। नेक्स्ट है, गोल गुम्बज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? भारत का सबसे बड़ा डोम गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में भारत का लार्जेस्ट डोम गोल गुंबज लोकेटेड है। नेक्स्ट है, यन इज द करेंसी ऑफ, यन मुद्रा है किस कंट्री का? आंसर इज जापान। जापान का करेंसी यन है। जिस प्रकार हमारे इंडियन का करेंसी रुपी है, तो उसी प्रकार जापान का करेंसी यन है। नेक्स्ट है, ओडिसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन? ओडिसी क्लासिकल डांस का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो ये आप जान रहे होंगे नाम से ही, ये ओडिशा से ओरिजिनेट हुआ है ओडिसी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर अमेरिका? अमेरिका को किसने खोजा था, किसने अमेरिका को एक्सप्लोर किया था? आंसर इज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका को एक्सप्लोर किया गया था। नेक्स्ट है, हु मेड द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनवाया है, किसके द्वारा वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा बनाया गया है? आंसर इज लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सी? 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को पार करने वाली पहली महिला कौन है? आंसर इज बुला चौधरी। बुला चौधरी यह पहली महिला है जो 7 इंपॉर्टेंट सी को क्रॉस की है। नेक्स्ट है, हु सेड दैट इंडियाज सोल लिव्स इन विलेज? किसने कहा कि भारत का आत्मा गांव में रहता है? आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारत का आत्मा गांव में रहता है। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर। तो आंसर इज जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, और इनको कब मिला था, तो इनको 1913 में मिला था लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज। तो ये पहले इंडियन और फर्स्ट एशियन भी बने थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया वाज बिल्ट इन द ईयर 1956? भारत में पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, जिसे वर्ष 1956 में बनाया गया था? आंसर इज अप्सरा। अप्सरा नाम है
जिसे 1956 में बनाया गया था, जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट है, युआन इज द करेंसी ऑफ, युआन किस कंट्री का करेंसी है? आंसर इज चाइना, चाइना का करेंसी युआन है। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड विद द विच गेम? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर इज इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट, इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। नेक्स्ट है, कथकली जे क्लासिकल डांस फ्रॉम, कथकली किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? आंसर इज केरला, केरला का क्लासिकल डांस कथकली है। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स इन 1951? 1951 में एशियन गेम्स को होस्ट करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन सा था? आंसर इज इंडिया, इंडिया ये फर्स्ट कंट्री बना था एशियन गेम्स को होस्ट करने वाला इन 1951। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? आंसर इज आर के सहनामुखम चेट्टी, आर के सहनामुखम चेट्टी के द्वारा फर्स्ट यूनियन बजट को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वाज फाउंडेड? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITBP कहा जाता है, तो ITBP का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962 को ITBP का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1962 में ITBP का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम लोकेटेड? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UNEP कहा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? आंसर इज नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में UNEP का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आंसर इज 1945, 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। और आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को FAO के नाम से जानते होंगे, ये काफ़ी प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसे आप FAO के नाम से जानते होंगे। तो इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, और FAO का हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिलेगा, इटली के कैपिटल रोम में देखने को मिलेगा FAO का हेडक्वार्टर, तो इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना सर्वप्रथम पहली बार कब हुआ था? आंसर इज 1919, 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वाज एस्टाब्लिश इन 1961 इन? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑर्गेनाइजेशन 1961 में कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर इज स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फेमस बुक दास कैपिटल वाज रिटन बाय? विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर इज कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ल्ड फेमस बुक दास कैपिटल लिखा गया था। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक उर्वशी? फेमस बुक उर्वशी के ऑथर कौन है? आंसर इज रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ये फेमस बुक उर्वशी के ऑथर हैं। नेक्स्ट है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आंसर इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है, हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट, द बुक एज यू लाइक इट वॉज रिटन बाय? बुक एज यू लाइक इट किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर इज विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा एज यू लाइक इट पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? आंसर इज जोहन मित्ता, जोहन मित्ता ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट है, द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? ग्रैंड स्लैम शब्द ये किस खेल से संबंधित है? आंसर इज टेनिस, टेनिस से ग्रैंड स्लैम संबंधित है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN? UN सिक्योरिटी काउंसिल के कितने देश परमानेंट मेंबर है? आंसर इज पांच, पांच कंट्री UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, और वो कौन कौन से? तो फर्स्ट नंबर में आपको USA देखने को मिलेगा,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन सेकेंड नंबर में आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा, या जिस यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, देन थर्ड नंबर में आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, देन फोर्थ नंबर में आपको रशिया देखने को मिलेगा, देन फिफ्थ नंबर में चाइना। तो ये 5 कंट्री परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो ये यूएन के 6 मेन ऑर्गन में से एक है। जैसे यूएन के 6 मेन ऑर्गन है, उसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल मेन ऑर्गन है। और मैं जिस वीडियो को रिकमेंड किया हूँ तो आप उसको जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट है, मेरी कॉम बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? आंसर इज बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से मेरी कॉम संबंधित है। और मेरी कॉम के बारे में बात करें तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है, मणिपुर से, और मणिपुर का कैपिटल आपको इम्फाल देखने को मिलेगा। और मेरी कॉम के बारे में बात करें तो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मान किया गया, पद्म भूषण से सम्मान किया गया, और 2020 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, जो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इनको पद्म विभूषण भी 2020 में दिया गया है, और ये मणिपुर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद श्वेत क्रांति का संबंध है? आंसर इज मिल्क, मिल्क से श्वेत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर इज वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन साउथ पोल अंटार्कटिका इज, साउथ पोल अंटार्कटिका में भारत का परमानेंट रिसर्च स्टेशन है? आंसर इज दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री ये भारत का फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन है साउथ पोल अंटार्कटिका में। और दक्षिण गंगोत्री का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1983 में हुआ था, तो ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, कब होता था? 1983, 1983 में हुआ था। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, वेयर इज द कैपिटल ऑफ सेशल्स, सेशल्स का राजधानी कहाँ है? आंसर इज विक्टोरिया, विक्टोरिया में सेशल्स का कैपिटल लोकेटेड है। नेक्स्ट, वेयर इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? आंसर इज बर्न, बर्न में स्विट्जरलैंड की कैपिटल लोकेटेड है। नेक्स्ट है, मोगदिशु इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, मोगदिशु किस देश की राजधानी है? आंसर इज सोमालिया, सोमालिया कैपिटल मोगदिशु है। नेक्स्ट है, बर्लिन द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर बर्लिन बसा हुआ है? आंसर इज स्प्री रिवर, स्प्री रिवर के तट पर जर्मनी की कैपिटल बर्लिन लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गो इन टू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर इज यूरी गागरिन, यूरी गागरिन ये वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन थे जो स्पेस में गए थे। और ये कब गए थे? ये 1961 में गए थे, जो वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन बने थे अंतरिक्ष में जाने वाले। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? आंसर इज वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? आंसर इज देविका रानी, देविका रानी ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे दादा साहब फाल्के अवार्ड की। नेक्स्ट है, व्हाट डज वाडा मीन, वाडा का क्या मतलब है? आंसर इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का मीनिंग है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब, भारत के किस शहर को नवाब का शहर कहा जाता है? आंसर इज लखनऊ, लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, या यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई वीडियो तो पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।